डर व्यूअर्स माई नेम इज़ डॉक्टर शफाक आई एम गाना कॉलोजिस्ट टुडे द टॉपिक ऑफ़ माई वीडियो इज़ प्लिसेंटल एब्रप्शन बजेदानी से आवल का वक्त से पहले अलग हो जाना इसको कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन प्लेसेंटल एब्रप्शन इज़ इन अव्यूट इमरजेंसी क्यूट इमरजेंसी बिकॉज इसमें होता क्या है जब बच्चे दानी से आवल वक्त से पहले अलग हो जाती है तो पेट में खून जमा हो जाता है अब जब वो खून पेट में जमा हो जाता है तो मदर को एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है पेट में पेट सख्त हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है खून पड़ जाता है और वही खून चूँकि पेट के अंदर बच्चा मौजूद है वो खून अगर बच्चा अपने अंदर वो उसको इसवालो कर लेता है तो उसी वक्त बच्चे की डेथ हो जाती है इसीलिए इसको कहा जाता है आ, कि ये एक एक्यूट एमरजेंसी है प्लेसेंटल एब्रप्शन होती क्यों है प्लेसेंटल एब्रप्शन के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो है आ, अगर किसी मदर को किसी खातून को पहले प्रेगनेंसी में एब्रप्शन हो गई है यानी उसकी आवल बचेदानी से वक्त से पहले अलग हो गई है तो उसको अगली प्रेगनेंसी में 25 फ़ीसद यानी 25 परसेंट रिस्क होगा रिपीट होने का ठीक है यानी अगर प्रायर एब्रप्शन हुई है तो रिकरेंस उसकी 25 परसेंट है ये इसका रिस्क है नंबर टू इसमें है स्मोकिंग और कोकेन का यूज़ इसके इस्तेमाल के साथ एब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अलावा अगर ट्विन प्रेगनेंसी है यानी एक से ज़्यादा बच्चे हैं ट्विन ट्रिपलेट या क्वा एक बच्चे हैं दो बच्चे हैं या तीन हैं या चार हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होता है अगर माँ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनमें ये इशू हो सकता है अगर जो जैसे कहते हैं पानी का पड़ जाना अगर बहुत लंबे अरसे तक पानी पड़ गया है तो उसमें चांसेस हो सकते हैं और बहुत लंबे अरसे के साथ पर जो पानी पड़ जाता है उसके बाद जो इन्फेक्शन हो जाती है जिसको कोरियो एम्योनाइटस कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है उसके बाद इम्पॉर्टेंट कॉज मटर्नल ट्रामा भी है अगर पेट पे या मतलब मदर अगर गिर जाए पेट के बल या कोई उसका एक्सीडेंट हो जाए डायरेक्ट उसको पेट पे हिट हो कहीं से कोई चोट लग जाए तो उससे भी एड्रप्शन हो सकती है ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं अब मैं बात करूंगी इसके डायग्नोसिस पे इसका डायग्नोसिस टोटली क्लिनिकल है अल्ट्रासाउंड पे भी नज़र आ सकती है लेकिन इसके कुछ क्लिनिकल साइन सिम्टम्स आपको बताती हूँ लेकिन बस ये अपने माइंड में रखें कि इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है पेशेंट को देखते ही हाथ लगाते ही उसकी हिस्ट्री को सुनते ही पता लग जाएगा कि ये एब्रप्शन है ठीक इसके अलावा इसके कुछ सिम्टम्स uh, हैं सिम्टम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ एबनॉर्मल विजैनल ब्लीडिंग एबनॉर्मल विजैनल ब्लीडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा खून पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा ये 80 परसेंट इसका मेजर सिम्टम है एटी परसेंट अस्सी फ़ीसद खून पड़ता है बास केसेस में खून नहीं भी पड़ता वो कंसील्ड हो जाता है कुछ एब्रप्शन रिवील्ड होती हैं यानी ब्लीडिंग नज़र आ जाती है बाहर को आने लगता है कुछ ब्लीडिंग अंदर ही अंदर पेट में जमा हो जाती है बाहर को नहीं आती उसको फिर हम कंसील्ड कहते हैं बेसिकली ब्लीडिंग इज़ एटी परसेंट सिम्टम सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ एबडामनल पेन सिवियर एबडामनल पेन बहुत ज़्यादा बहुत जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी पेन की बहुत ज़्यादा होगी कि पेट बिल्कुल सख्त हो जाएगा इतना दर्द होगा मदर को उसके अलावा तीसरा इम्पॉटेंट सिम्टम है फीटल डिस्ट्रेस क्योंकि अगर पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग के साथ आता है और इस तरह की कंप्लेन करता है जैसे पेन है तो हम फ़ौर उसकी बच्चेदानी मतलब हम उसके बच्चे के हार्ट रेट चेक करते हैं सी चेक करते हैं तो सी में हमें फीटल डिस्ट्रेस मिलेगा यानी उसमें कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आएंगी ठीक उसके बाद इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो है कि यूट्रस स्टोनी हार्ड आप जैसे ही पेट पे हाथ रखेंगे वो इरीटेबल हो जाएगा जैसे ही आप मदर के पेट पे हाथ रखेंगे वो एकदम से कॉन्ट्रैक्शन जो एकदम से आएगा स्टोनी हार्ड उसका पेट हो जाएगा तो ये सिम्टम्स हैं जिसको देखते ही वाइटल्स में आपको टेकिकाराडिया मिल सकता है और लो ब्लड प्रेशर मिल सकता है यानी शॉक के सिम्टम्स मिल सकते हैं पेशेंट आई है आप उसको चेक करेंगे उसका एबडामन टाइट आ, बिल्कुल आ, जो है स्टोनी हार्ड होगा फीटल डिस्ट्रेस होगा ब्लीडिंग होगी एबडामनल पेन सिवियर एबडामनल पेन इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो ये इसके सिम्टम्स हैं इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है अल्ट्रासाउंड पर भी कन्फर्म कर सकते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड पर कन्फर्म करने का उससे टाइम वेस्ट होता है बिकॉज ये एक अक्यूट एमरजेंसी है ठीक है तो ये मैंने आप उसे शेयर किया कुछ रिस्क फैक्टर डायग्नोसिस और इसके कुछ सिम्टम्स अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं अगर एब्रप्शन हो जाती है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस फिर क्या होंगी सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन कि पेशेंट हेमरेजिक शॉक में चला जाएगा हेमरेजिक शॉक मींस इतना ब्लड लॉस होगा कि उसको सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे हाइपोवोलीमिया के लाइक like, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा उसकी पल्स रेस्ड होना शुरू हो जाएगी उसका रेस्परिटी रेट बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें हेमरेजिक शॉक की तरफ चली जाएंगी ठीक उसको अल्टीमेटली वो ले जाएगा डीआईसी की तरफ डिससेमिनेटेडकुलर कोगुलेशन बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो बॉडी में जितने भी प्लेटिलेट्स हैं वो यूज़ हो जाएंगे और फिर पीछे से जो आ, पूरी बॉडी में प्लेटिलेट्स का इस्तेमाल होने के साथ वो प्लेटिलेट्स की कमी आ जाएगी जिसको कहा जाएगा डिससेमिनेटेड इंट्रावस्क्यूलर कोगुलेशन ठीक तीसरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इसकी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है उसे कहा जाएगा रीनल फेलियर रीनल फेलियर एकदम से जब बॉडी में ब्लड एकदम से ज़्यादा पड़ता है डी हो जाता है पेशेंट शॉक में जाता है तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आता है गुर्दे यानी किडनीज तो गुर्दे फेल हो जाते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं ठीक उसके बाद यूट्रस फाइनली कॉविलियर यूट्रस मींस यूट्रस जो है इतना ब्लड अंदर अक्यूमुलेट करने के साथ उसके अंदर ब्लड इतना जम जाता है इकट्ठा हो जाता है वो एक थैली बन जाती है तो वो सुकरता नहीं है मुस्तकिल खून पड़ना शुरू हो जाता है तो इस कंडीशन में मरीजा की बच्चेदानी को निकाला भी जा सकता है ये एक इसी लिए एमरजेंसी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ टू प्रिवेंट एब्रप्शन एब्रप्शन को प्रिवेंट कैसे किया जाए बिकॉज uh, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है क्लिनिकल है ज़रूरी नहीं है कि सब को हो ऐसा नहीं है लेकिन इसकी कुछ प्रिवेंशन है जिससे बचा जा सकता है जैसा कि मैंने आपको रिस्पेक्टर में बताया कि ये स्मोकिंग और कोकेन की वजह से होता है तो आप स्मोकिंग uh, और कोकेन को सिंपली अवॉइड करें दूसरा अगर आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है प्रेगनेंसी में तो अपनी प्रॉपर मेडिकेशन लें बिल्कुल टाइम के साथ अपने कंसल्टन गाने को विज़िट करें और उनसे अपना प्रॉपर अपना रेगुलर शेड्यूल जो पूरा चेकअप्स का है वो प्लान करें ठीक लास्ट पे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी एब्रप्शन के चांसेस होते हैं तो फॉलिक एसिड को बिल्कुल मत भूलें फॉलिक एसिड भी अपने आपने टाइमली लेना है ये तीन बातों का ख्याल रखें तो इससे one, आप इससे बच सकती हैं लास्ट में आपसे इससे कुछ ट्रीटमेंट की बात करूँगी ट्रीटमेंट इसका कुछ ख़ास इस तरीके से है कि अगर पेशेंट हिमोडाइनमिकली स्टेबल है मीन्स उसके वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं और बिजानल डिलीवरी इमिनेंट है यानी प्रोग्रेस हो रही है लेबर की और जैसे लेबर प्रोग्रेस हो चुकी है और बेबी भी डिलीवर होने को है तो फिर आप उसको बजाना डिलीवर कर सकते हैं मेक श्योर sure कि आपका थिएटर रेडी हो आपके पास ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स आपके पास हो तो ये सारी अरेंजमेंट्स होने के बाद आप उसको डिलीवर कर सकते हैं इफ़ पेशेंट इज़ हीमो स्टेबल इसमें हमने मिटर्नल देखना होता है ठीक सेकेंड अगर पेशेंट हेमो अनस्टेबल है अनस्टेबल से मुराद आ, उसका शौक में जा रही है पेशेंट और डिलीवरी इमिनेंट भी नहीं है मींस अभी होने भी नहीं लगी बड़ा टाइम है उसमें और अनस्टेबल चल रही है वो तो आपने क्विकली थिएटर में शिफ्ट करना है पेशेंट का सिजेरियन करना है और बीबी को डिलीवर करना है तो ये मेरा एक मैसेज था प्लेस सेंट्रल के हवाले से एक छोटी सी वीडियो तो होप होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा थैंक यू सो मच